फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अगर आज देश में मतदान हो जाए तो किसकी सरकार बन सकती है, किसको कितने वोट मिलेंगे, इसको लेकर इंडिया टुडे और सी वोटर ने मिलकर एक सर्वे किया है जिसमें वोटर्स के मन में इस समय क्या चल रहा है सामने आया है। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में पीएम मोदी देश की सबसे पहली पसंद बनकर उभरे हैं, जिसके बाद सोनिया गांधी की तरफ भी वोटर का झुकाव देखा जा रहा है। ऐसे में आंकड़ों की बात करें तो आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाए तो एनडीए के खाते में 296 सीटें आएंगी, वहीं यूपीए के खाते में 126 सीटें, तो अन्य के पास 120 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की बात की जाए तो यहां एनडीए को 67 सीटें, समाजवादी पार्टी को 10, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगले पीएम के रूप में सबसे ज्यादा 53% वोट के साथ नरेंद्र मोदी दौड़ में सबसे आगे हैं, वहीं सर्वे में 7% राहुल गांधी, 6% के साथ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को 4% लोगों ने पसंद किया है। सर्वे में खास आंकड़े भी सामने आए हैं जिसमें विपक्ष की भूमिका में किसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया के जवाब में 17% के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लीड ले ली है, तो दूसरे नंबर पर 16% के साथ अरविंद केजरीवाल और 11% के साथ राहुल गांधी तीसरे नंबर पर लोगों की पसंद रहे हैं। सर्वे में पाया गया है कि महंगाई, किसानों का मुद्दा और बेरोजगारी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी विफलता रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक महंगाई 25% लोगों के लिए सबसे बड़ी विफलता है, वहीं बेरोजगारी को 14% लोग उनकी विफलता मानते हैं। किसान आंदोलन की बात करें तो वहां पर सिर्फ 10% लोग इसे मोदी सरकार की विफलता के तौर पर देखते हैं। कोरोना काल में महंगाई दर लगातार बढ़ती दिखी है, पेट्रोल से लेकर बाकी सामानों तक हर जगह महंगाई का असर देखने को मिला है। ऐसे में 25% लोग इसे केंद्र सरकार की विफलता के तौर पर देख रहे हैं। बेरोजगारी भी ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर लेता रहा है, क्या लोकसभा क्या विधानसभा, हर चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनता है। अब की बार के चुनाव में देखना होगा ये मुद्दे बीजेपी को कितना झटका देते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।